नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, पोस्ट ऑफिस में नई ब्याज दर आ गई है, 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। क्या क्या स्कीम में कौन कौन सी ब्याज दर बढ़ी है, कौन सी ब्याज दर सेम रही है और आपका पैसा कौन सी स्कीम में लगा हुआ है जिसमें आपको बेनिफिट होने वाला है, ये सब आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे यारों और वीडियो को लाइक कर दो। साथियों, पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना एकदम सुरक्षित है क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, आप आराम से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी बात करते हैं नई ब्याज दरों की और साथ में हम बात करेंगे अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उसके सामने कितना रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट यानी कि SB अकाउंट, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 4% था जो कि अभी फिलहाल सेम ही है 4%। उसके अंदर अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके सामने आपको मिलने वाला है 1,04,000 रुपया। आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की FD की, तो पहले ब्याज दर था 6.9 जो कि अभी फिलहाल सेम ही रेट रखा है 6.9। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके सामने आपको मिलेगा 1,07,080 रुपया। अभी दोस्तों आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD की। 2 साल का FD का रेट था दोस्तों 7% जो कि अभी फिलहाल सेम रखा गया है 1 अक्टूबर से 7%। इसमें आपको मिलेगा 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1,14,371 रुपया। अभी साथियों बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की FD यानी कि TD। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, यही सेम रखा गया है 7%, 1 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके सामने आपको मिलेगा 1,21,558 रुपया। अभी साथियों बात करते हैं 5 साल पोस्ट ऑफिस की FD, 4 साल की होती नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल। 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5 और अभी भी सेम रखा गया है इसको 1 अक्टूबर से। यहाँ पे 1 लाख रुपये आप लगाओगे तो 5 साल बाद मिलेगा 1,38,568 रुपया। अभी साथियों हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.5 जो कि अभी बढ़ा के कर दिया है 6.7 यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 5,000 रुपये से रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हो तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, उसके सामने आपको नए ब्याज के हिसाब से मिलेगा 56,830 यानी कि मैच्योरिटी के टाइम में 3,56,830 रुपये आपको आराम से मिल जाएगा। अभी साथियों बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2 था जो कि अभी फिलहाल सेम रखा गया है। इसमें आप 1 लाख रुपये लगाओगे तो 5 साल बाद आपको मिलने वाला है 1,41,000 रुपया यानी कि काफ़ी अच्छी है स्कीम है, बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम है MIS मंथली इनकम स्कीम। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4 था जो कि अभी सेम रखा गया है। यहाँ पे आप 1 लाख रुपये लगाओगे तो उसके सामने आपको मिलेगा 1,37,530 रुपया। अभी साथियों आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.7 जो कि अभी फिलहाल सेम रखा गया है और टोटल आपको मिलेगा 1 लाख के सामने 1,44,900 रुपया। अभी साथियों बात करते हैं PPF अकाउंट। PPF अकाउंट में 7.1 था रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि अभी सेम ही रखा गया है, इसमें कोई बढ़ोतरी की गई नहीं है। आप अगर 1,000 रुपये 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिलेगा 3,15,572 रुपया। अभी साथियों हम आगे बात करें तो KVP यानी कि किसान विकास पत्र, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.5 जो भी अभी बड़ा नहीं है, सेम ही रखा गया है 7.5। 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो बन जाएगा 2 लाख रुपया 9 साल के बाद। अभी आगे बात करते हैं सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि योजना में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था पहले जो कि अभी सेम 8% ही है और आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे 1,000 रुपया 15 साल तक तो आपको यहाँ पे 21 साल बाद 5,39,450 रुपया मिलने वाला है। ये कुछ बात हो गई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या कुछ खास है। तो आप पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाना चाहते हो तो कोई भी स्कीम में आप आराम से पैसा लगा सकते हो। RD का ब्याज बढ़ गया है तो RD भी कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।